सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम् यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, रचनानुवाद कौमुदी को पढ़ रहे हैं और आज हम इसकी 211वीं कक्षा को पढ़ेंगे। 211वीं कक्षा को पढ़ेंगे। 210 कक्षाओं को पढ़ा दिया है और हमारे छोटे छोटे हिंदी के निबंधों का प्रकरण चल रहा है, इनको हम संस्कृत में ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं। गत कक्षा में आपको ये निबंध मैंने सिखाया था, मधुर भाषण। आज इसके आगे हमारा 22वां निबंध है, अनुशासन पालन। ठीक है, ध्यान दीजिए, अनुशासन पालन। इसको एक बार मैं पढ़ के बता देता हूं आपको, फिर इसकी आपको संस्कृत बताता हूं। निर्धारित नियमों के पालन और अपने से वर्णों की आज्ञा के पालन को अनुशासन पालन कहते हैं। अनुशासन पालन जीवन की सफलता की कुंजी है। अनुशासन पालन का अभ्यास बाल्यकाल से ही करना चाहिए। अनुशासन या नियंत्रण के पालन से ही मनुष्य का जीवन उच्च होता है। जो देश और समाज अनुशासन का पालन करता है वही उन्नति को प्राप्त करता है। घर, महाविद्यालय और समाज में सर्वत्र ही अनुशासन पालन की आवश्यकता है। जहां अनुशासन नहीं है वहां अव्यवस्था का निवास होता है। अतः देश और समाज की उन्नति के लिए अनुशासन पालन अनिवार्य है। बहुत अच्छा, थोड़ी सी पंक्तियों में अनुशासन की परिभाषा, अनुशासन का लाभ, अनुशासन की हानि सब कुछ बता दिया। ठीक है, आइएगा अब मैं आपको इसकी संस्कृत बताता हूं। आइएगा संस्कृत देखिएगा, इसकी संस्कृत क्या बनेगी और आपने जो बनाई है उससे आप इससे सहयोग ले सकते हैं उसका। अनुशासन पालनम्, निर्धारितानाम नियमानाम पालनम् ज्येष्ठानां च आज्ञायाः पालनम् अनुशासन पालनम कथ्यते। ठीक है, निर्धारित नियमों के पालन और अपने से बड़ों की आज्ञा के पालन को ही अनुशासन पालन कहा जाता है। अनुशासन पालनम जीवनस्य साफल्यस्य कुंजिका वर्तते। अनुशासन पालन जीवन की साफल्य माने सफलता की कुंजी है। अनुशासन पालन अभ्यासो बाल्यकालात् एव कर्तव्यः। अनुशासन के पालन का अभ्यास बचपन से ही करना चाहिए। अनुशासनस्य नियंत्रणस्य वा पालनेनैव मनुष्यस्य जीवनम श्रेष्ठम भवति। अनुशासन के अथवा नियंत्रण के पालन से ही मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ होता है। यो देशस्य समाजस्य चानुशासनस्य पालनं करोति सा एवोन्नतिं प्राप्नोति। जो देश और समाज के अनुशासन का पालन करता है वह मनुष्य ही उन्नति को प्राप्त करता है। गृहे महाविद्यालये समाजे च
सर्वत्रैवानुशासन पालनस्यावश्यकता वर्तते। घर में, महाविद्यालय में और समाज में सब जगह ही अनुशासन के पालन की आवश्यकता होती है। यत्रानुशासनम् न विद्यते तत्राव्यवस्थाया निवासो भवति। जहां पर अनुशासन नहीं होता है वहां अव्यवस्था का निवास होता है, अर्थात वहां अव्यवस्था हो जाती है। अतो देश समाजयोरुन्नत्यै अनुशासन पालनस्य पालनस्य अनिवार्यमस्ति। ऐसा हो जाएगा, यहां पर ये लाइन खींच लिए दीट। अतः इसलिए देश और समाज की उन्नति के लिए अनुशासन के पालन की अनिवार्यता मैंने अनिवार्य है। पालन का अनिवार्य मैंने अनिवार्य रूप से होना चाहिए अनुशासन। ठीक है, तो ये यहां पर दीर्घ करेंगे, संधि कर दी, अनुशासन पालनस्य अनिवार्य, तो अनुशासन पालनस्य अनिवार्यम अस्ति। ये आपका मैंने निबंध बता दिया। ठीक है, अब आपके 22 निबंध कंप्लीट हो गए मित्रों। अब अगली कक्षा में हम आपको 23वां निबंध बताएंगे। हमारे इस जो निबंधों की श्रृंखला है 23, 24, 25, 26, 27 और ये 28 28 हैं। तो अब हमारे पास में कुल मिलाकर के 6 निबंध और हैं, तो 6 कक्षाओं में ये कंप्लीट हो जाएंगे। इसके पीछे पे थोड़ा सा एक पार्ट और है छंद का, तो छंद कुछ दिन में वो भी समाप्त हो जाएगा। तो फिर ये आपकी रचनानुवाद कौमदी पुस्तक अक्षरशः कंप्लीट हो जाएगी ऑनलाइन। ऑनलाइन अक्षरशः आपको पढ़ा दिया गया होगा। कोई भी पाठक फिर इस ऑनलाइन कोर्स को इस YouTube चैनल पर अथवा देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर पढ़ सकता है। मित्रों ये ध्यान दीजिएगा, इस पूरी पुस्तक की कक्षाओं को जो यहां पर 211 कक्षाएं आज तक हो गई, ध्यान दीजिएगा 211 कक्षाएं मैंने पढ़ा दी हैं और आगे भी कुछ प्लस हो जाएंगी कक्षाएं। इन सभी कक्षाओं को देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी रखा गया है, ध्यान दीजिएगा। ऐप के अंदर आपको इसके जो आंसर शीट है उत्तर पत्रिका भी मिलेगी आपको। ये विशेष बात है, क्या इसकी उत्तर पत्रिका भी पीडीएफ के रूप में भी मिलेगी, वीडियो भी मिलेंगी। ठीक है, परंतु ऐप की पॉलिसी हम आपसे निवेदन कर देते हैं, जो ऐप की पॉलिसी है उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम ऐप के अंदर कोई भी कोर्स पढ़ाने के लिए वहां पर आपको देखने के लिए मामूली सा आपको थोड़ा सा शुल्क देना होता है, मामूली सा शुल्क रखा है। ठीक है, क्योंकि ये ऐप की पॉलिसी है, ऐप के अंदर आप निशुल्क नहीं पढ़ सकते। ठीक है, निशुल्क तो आपके लिए ही आया यूट्यूब पर, परंतु कुछ लोग यदि इसकी उत्तर पत्रिका की पीडीएफ भी साथ में चाहते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर पीडीएफ नहीं लगाई जा सकती है, अपलोड नहीं की जा सकती है, परंतु वहां पर की जा सकती है ऐप के अंदर पीडीएफ भी। इसकी इन सारे निबंधों की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी और जो 60 अभ्यास हैं उनकी भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उत्तर पत्रिका की जो गृह कार्य मिलान कराया गया है। ठीक है, तो आप ऐप को भी डाउनलोड कर लें चाहे तो, वहां पर भी उस कोर्स को पढ़ सकते हैं इस कोर्स को, पर ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया ऐप है, बहुत सुंदर ऐप है, संस्कृत शिक्षण की सबसे बेस्ट ऐप है देववाणी संस्कृत। लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसमें आप क्लिक करके आराम से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिएगा मित्रों, तो ये आपका हो गया, और अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों से, व्हाट्सएप नंबर दिए गए यहाँ पर संपर्क कर लीजिएगा, ये कॉलिंग नंबर दिए गए हैं इन पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
चलिएगा, संस्कृत माता के लिए कार्य कर रहे हैं, संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रहे हैं, आपसे आशा करते हैं कि आप निरंतर हमारा सहयोग करते रहें, आर्थिक सहयोग करते रहें, मानसिक सहयोग करते रहें, आत्मीय सहयोग करते रहें, सामाजिक सहयोग करते रहें, सब प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है हमको इस महान कार्य के करने के लिए। तो इसलिए आप तन मन धन से सब प्रकार से संस्कृत माता के महान यज्ञ में आहुति दीजिएगा। एकदम चिंता मत कीजिएगा, चिंता मत कीजिएगा, आपके द्वारा दी गई तन मन धन से जो आहुति है वो आपको महान पुण्य देने वाली होगी, आपको बहुत बड़ा फल देने वाली होगी। ठीक है, चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।